और मैं हूं मुरारी सिंह। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में सांसद गोपाल सेट्टी उर्मिला मातोंडकर को लाखों मतों से पीछे छोड़ दिया। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त कार्यकर्ता का उत्साह बहुत हाई है और हम लोग देख रहे हैं कि जो गोपाल सेट्टी जी है इस सीट से लाखों की तादाद वोटों से जीत रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता का उत्साह बहुत हाई है और ढोल नगाड़े और मिठाई बांटकर कार्यकर्ता अपना ये सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी समय में यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता यहाँ क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से आके यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ से यहाँ पर बड़े तादाद में सेलिब्रेशन किया जाएगा। आपसे जानना चाहूँगा 2014 की अपेक्षा जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2014 की अपेक्षा 2019 में बीजेपी सीट लेकर के आ रही है, इसे किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। देखो 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार देश में आई थी, उसके बाद देश में जो विकास जिस रफ्तार से हुआ है, देश की सुरक्षा जिस तरह से बढ़ी है, जिसलिए लोग मोदी जी के हाथ में देश को सुरक्षित महसूस करते हैं, देश का विकास आगे चल के और बढ़ सकता है, इसलिए मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, इस नारे के खड़े होते हुए या इस देश के मुसलमान अगड़े पिछड़े सभी लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं, इसलिए देश में बहुत सुनामी की तरह मोदी जी के सीट बढ़कर बहुत बाहर गए। 2014 से भी ज्यादा वोट इस टाइम पे सीटें आकर हम लोग बीजेपी जीते। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर मुंबई में पहले राम नाईक को हराने के लिए गोविंदा को लाया गया था और इस बार फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस ने उतारा था, एक कांटे की टक्कर कही जा रही थी जबकि रुझान आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे। देखो जिस बार गोविंदा को राम नाईक साहब के सामने उतारा गया था तभी और उस टाइम गोविंदा जीते थे, तब जनता ने बहुत बड़ी भूल की थी, उस भूल का नतीजा उन्होंने 5 साल भुगता था और उस वो अनुभव लेके जनता ही बहुत सोच समझ के इस बात से उन्होंने देखा कि ये एक्टर वगैरह जो फिल्म में काम करने वाले हीरो हीरोइन रहते हैं वो जनता के एक बार चुनाव जीतने के बाद किसी के जनता के काम में नहीं आते हैं, ना कोई विकास का काम करते हैं। और इस वक्त देश में पूरी तरह मोदी लहर होने की वजह से जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह देश का विकास हो रहा है, जिस तरह देश सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए गोपाल सेट्टी जी गए टाइम से भी ज्यादा वोटों से उर्मिला मातोंडकर को हरा के यहाँ पर जीत का झंडा। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में इस समय मानो की घोर नगारे और ताशे और दिवाली के जश्न से कम जश्न नहीं है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है वो अपने आप में कहना काफी दिलचस्प होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर गोपाल सेट्टी लाखों मतों से आगे है। जरूर मतों से आगे, वो 56,000 वोटों से आगे है और पूनम ताई भी आगे है और मुंबई में 48 सीट में से 42 तो अब तक आ गई है ऑलरेडी और पूरे देश के अंदर 543 सीट में से 356 जरूर आना है और आएगी। और विकास तो आपके सामने यहाँ पर भी दिख रहा है, मोदी जी ने क्या विकास किया है महाराष्ट्र के अंदर भी, गुजरात के अंदर 26 सीटों में से 25 सीट बीजेपी को गई है, दिल्ली में 7 सीटों में से 7 सीट बीजेपी को आ रही है। इससे उम्मीद क्या है, कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी उत्साह है, एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल आया था और उसके बाद आज काउंटिंग के बाद जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। अगर बात करें तो उत्तर मुंबई से उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर हो या मध्य मुंबई से संजय निरुपम मिलिंद देवड़ा, इन लोगों के मोबाइल फोन बंद हो चुके हैं। मुंबई की 6 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ मुरारी सिंह, एनएम न्यूज मुंबई। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।